उत्तर भारताप्रमाणे आता दक्षिणेतही भाजपा संघटना मजबूत करत असून काँग्रेसमुक्त भारत करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचं केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सांगितलं. अनेक जण भाजपामध्ये येण्यासाठी उत्सुक असल्याचा दावा करत भाजपाकडून प्रथम संघटन मजबूत करण्यावर भर देत असल्याचं बंडारू यांनी स्पष्ट केलंय. शिर्डीमध्ये आज पहिलं देशव्यापी अधिवेशन पार पडलं, यावेळी बोलताना बंडारू बोलत होते. बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले दिनों में आज अल्टरनेटिव बनने का रूप ले रहे हैं और हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और वैसे ही जो है तमिलनाडु केरला इसके ऊपर हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए. हमारे दीनदयाल विस्तार योजना के नए नए बहुत नौजवान शामिल हो रहे हैं और बहुत से लोग कांग्रेस को मुक्त करके भी बीजेपी में आने के लिए तैयार है. लेकिन हम लोग पहले हमारा संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करके फिर भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और दक्षिण में, विशेष करके तमिलनाडु में, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा और कांग्रेस मुक्त जो है और दक्षिण राष्ट्रों में भी कांग्रेस मुक्त होगा. शिर्डीमध्ये आज पहिलं देशव्यापी अधिवेशन केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झालं. राज्यभरामधून हजारोंच्या संख्येनं पेन्शनर या ठिकाणी उपस्थित होते. अनेक क्षेत्रामधील कामगार मोठ्या अपेक्षेनं या अधिवेशनामध्ये सहभागी झाले. कमीत कमी 6,500 रुपये पेन्शन मिळावं, केंद्रीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सुविधा लागू कराव्यात, कोथियारी समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात, मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यात यावी, पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना अन्न सुरक्षा कायदा लागू करावा आदी मागण्यांसाठी या अधिवेशनामध्ये चर्चा करण्यात आली. पेन्शन वाढीसंबंधी या ठिकाणी अधिवेशन बोललेलं आहे. 1995 सालापासून या पेन्शनधारकाला फक्त 250 रुपये पेन्शन मिळते. आमच्या प्रयत्नानं 1,000 रुपये झालेली आहे, तरीही 1,000 रुपये अत्यंत कमी आहे. आमचा प्रॉव्हिडंट फंडातील EPF पेन्शनमध्ये जवळजवळ 3.69% कपात केला पेन्शनधारकाचा. एवढी रक्कम जर बँकेत ठेवली तर आम्हाला याचं दुप्पट व्याज मिळेल. पण म्हणून आम्ही पेन्शनधारकांचं हे अधिवेशन बोलून मध्यंतरच्या काळामध्ये भगतसिंग कोश्यारी सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीने अहवाल दिलाय की किमान 3,000 रुपये पेन्शन आणि तितकाच 100% महागाई भत्ता देण्यात यावा. ती शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर पेन्शन वाढीमध्ये पेन्शन वाढ करून किमान 6,500 रुपये मूळ पेन्शन झाली पाहिजे आणि तितकाच महागाई भत्ता द्यायला पाहिजे. कारण इतर धंद्यामध्ये जे पेन्शनधारक आहेत त्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पेन्शन मिळते आणि आमच्याकडे आमचे पैसे जमा असताना, आमच्या पेन्शनधारकाचे पैसे जमा असताना आम्हाला अत्यंत अल्प प्रमाणात पेन्शन मिळते. कामगार मंत्री बंडारू यांनी या मागण्यांचा विचार करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर समिती स्थापन केली असून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलंय. अभी जो है पेंशन है, पहले जो मिनिमम पेंशन जो था वो केवल जो है पेंशन जो है केवल 30 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मिलता था. लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद हमने उसको 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन किया है और इससे केंद्र सरकार को 850 करोड़ रुपया हर साल
जो इस पेंशन को भुगतान देने के लिए हमको केंद्र सरकार दे रही है। और अभी पेंशनर जो है 3,000 रुपया पेंशन बढ़ाना बोल के उनका जो हमारे साथ डिमांड है, उसके लिए मैंने हमारे लोकसभा में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का मैंने ऐलान किया। वो एक्सपर्ट कमेटी में अच्छे विशेष लोग रहेंगे, वो लोग सारे जितने भी हमारा पेंशन फंड है वो मैनेजमेंट करने के लिए। अभी तक जो है हमारे पास लास्ट ईयर जो है हमारे पास 6,000 करोड़ रुपया माइनस में था, इस साल 5,000 करोड़ रुपया आज प्लस में आया। और इसको अच्छा देख के फिर कितना बढ़ाना चाहिए वो उनका निर्णय से, उनका रिकमेंडेशन के बाद मैं निर्णय लेंगा। और पेंशनर को, जो हमारे पेंशनर्स है, सारे पेंशनर्स को मैंने उनकी हेल्थ के लिए, उनके जो है हेल्थ सर्विसेज के लिए मैंने सारे लोगों को ESIC में मेडिकल सुविधा देने का निर्णय लिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि जो वेज सीलिंग बढ़ी है या उनकी वेज बढ़े हुए उन लोगों को भी पेंशन देना चाहिए, इसके बारे में भी हम इन टोटल स्पिरिट हम लोग उसको लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज मराठी, शिरडी।